प्रदेश में पुलिस ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी पार्टी के एक दूसरे अधिकारी द्वारा अपमानजनक टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर मुस्लिम विरोधी टिप्पणी पोस्ट करने के लिए हिंदू राष्ट्रवादी सत्ताधारी पार्टी के एक युवा नेता को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण राजनीतिक हंगामा भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हर्षित श्रीवास्तव को इस्लाम विरोधी टिप्पणियों की निंदा करने के लिए मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले सप्ताह सांप्रदायिक तनाव के बाद कानपुर शहर में गिरफ्तार किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया कि हमने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए स्थानीय राजनेता को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि कानपुर में तनाव के बाद कम से कम 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। श्रीवास्तव के वकील टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके थे। एक टेलीविजन बहस के दौरान भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के बाद देश के अन्य हिस्सों में छिटपुट अशांति छिड़ गई है। भाजपा ने कहा है कि पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक अन्य प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को सोशल मीडिया पर इस्लाम के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी पर निष्कासित कर दिया गया है। कतर, सऊदी अरब, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जैसे इस्लामी देशों के नेताओं द्वारा भारत सरकार से माफी की मांग करने और साथ ही इस्लाम विरोधी टिप्पणियों के विरोध में राजनीतिकों को तलब करने के बाद घरेलू आक्रोश को नई गति मिली है। प्रभावशाली 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन ने एक बयान में कहा है कि भारत में इस्लाम के प्रति नफरत के बढ़ते माहौल और मुसलमानों के व्यवस्थित उत्पीड़न के संदर्भ में आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने OIC को जवाब देते हुए सोमवार को कहा कि आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणी किसी भी तरह से सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता है। यह विवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक कूटनीतिक चुनौती बन गई है, जिन्होंने हाल ही के वर्षों में ऊर्जा संपन्न इस्लामी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के कई सदस्यों को सार्वजनिक मंचों पर धर्म के बारे में बात करते समय बेहद सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत में इस्लामी अधिकार समूह के सदस्यों ने कहा कि यह पहली बार है जब प्रभावशाली विदेशी नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अनुभव किए गए अपमान के खिलाफ बात की है। मुंबई शहर में मुसलमानों के लिए एक स्वैच्छिक अधिकार समूह चलाने वाले अली असगर मोहम्मद ने कहा कि हमारी आवाज आखिरकार सुन ली गई। केवल विश्व के नेता ही मोदी की सरकार और उनकी पार्टी को मुसलमानों के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए कह सकते हैं। आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूँ रक्षिता मिश्रा। इस खबर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके बताइए, और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।